सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायरल ब्लॉगिंग में। सो गाइस, मैं अभी मुंबई सेंट्रल जा रहा हूं, वहां पर मुझे कुछ अकाउंट्स क्लोज करने हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। सो अभी निकलता हूं मैं। मैंने टिकट निकाल लिया है और मुझे अब चर्चगेट फास्ट ट्रेन पकड़नी है। सो कौन सी पकड़ूँ समझ में नहीं आ रहा। बन के जाने वाली ट्रेन अगर होगी तो अच्छी बात है। ये ट्रेन तो है बन के जाने वाली, लेकिन पूरी भर चुकी है। सो अभी फटाफट से जाता हूँ, खड़े मिल जाए तो कुछ ठीक है। ट्रेन चलने के लिए अभी टाइम है, इसलिए बाहर ही रुका हूँ। लगभग अभी 7-8 मिनट है ट्रेन चलने के लिए, तो ट्रेन में खड़ा रहने से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बैठ जाना ही ठीक है। दादर उतरूँगा और दादर से स्लो ट्रेन पकड़ूँगा मुंबई सेंट्रल के लिए। सो वहाँ से भी मुझे रिक्शा पकड़ के जाना पड़ेगा अंदर की तरफ, और वहाँ पर ज़्यादातर हाई प्रोफाइल वाले लोग रहते हैं। सो गाइस, मैं जो भी काम करूँगा कोशिश करूँगा अच्छा करने की। सो देखते हैं कैसा आज का दिन रहता है। आगे की तरफ अगर ट्रेन का थोड़ी सी खाली रही तो अच्छा है, बैठने को भी मिल जाएगा। सो इसी वजह से आगे की तरफ जा रहा हूँ। बराबर 8:01 को ट्रेन निकली है अभी फ़िलहाल यहाँ से। सो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। मुझे ट्रेन पकड़नी है मुंबई सेंट्रल के लिए। सो चलते हैं। अभी मुंबई सेंट्रल में तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे लोकेशन ठीक से पता नहीं है। सो मेरे भाई ने मुझे एक लोकेशन का मैपिंग एक व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है, तो फिर वहाँ से ही देख के मैं जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन्स के इंजन यहाँ पर पार्क कर दिए गए हैं। शाम को ये ट्रेन्स के इंजन ले जाए जाते हैं चर्चगेट, और चर्चगेट से ही निकलते हैं यहाँ वहाँ। अब मुझे यहाँ से पेडर रोड की तरफ जाना है और टैक्सी पकड़नी है। यहाँ पर रिक्शा वगैरह अवेलेबल नहीं रहता मुंबई में। चर्चगेट साइड में भी जाओगे तो फिर वहाँ पर भी आपको रिक्शा वगैरह नहीं मिलेंगे। मतलब रिक्शा वगैरह वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मुंबई में कि वो मिडिल क्लास लाइफ को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर रिक्शा को रखा नहीं गया है, टैक्सी रखी गई है। इतनी दूर काम करने के लिए मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। सो देखिए गाइस, जैसे ही मैं यहाँ से निकला सारी टैक्सीज यहाँ पर खड़ी है, लेकिन एक भी मुझे यहाँ पर रिक्शा नहीं दिख रहा है। काम करने से पहले थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, नहीं तो काम नहीं होगा मुझसे ठीक से। यहाँ पर देखिए पीछे कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और यहाँ पर सारे रिच लोग रहते हैं, यानी कि सारे अमीर लोग रहते हैं यहाँ पर। सो अभी वड़ा पाव ढूंढ रहा हूँ मैं, वड़ा पाव कहाँ पर मिलेगा या फिर कुछ भी मिल जाए खाने के लिए खा लूँगा। सुबह का नाश्ता 2 समोसे 20 रुपये का। यहाँ पर क्या खूबसूरत इमारतें हैं, है देखिए, दोनों भी सेम लग रही है, और ये देखिए कैसी है, बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा शानदार है, ये बिल्डिंग ब्लैक कलर की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो पहुँच चुका हूँ बाहर। सो यही है क्या, वो मुझे अब तक कंफर्म नहीं है, तो अंदर जाके ही पता चलेगा। टैक्सी ड्राइवर ने गलत जगह पर मुझे भेज दिया। ये पेडर रोड न होने के बावजूद भी मुझे बोल रहा है कि पेडर रोड यही है और यहाँ पर ही बैंक ऑफ बड़ौदा अकेला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रैंड रोड की तरफ मैं आ चुका हूँ। सो मुझे उसने गलत लोकेशन पर छोड़ दिया। अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है और पेडर रोड लग जाएगा, ऐसा उस आदमी ने कहा था। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और यहीं पर पास में नज़दीक में समंदर है। सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ पर हर एक लोग बहुत ज़्यादा रिच टाइप के, और आज मैं जिनको भी कॉल करूँगा वो सारे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज मुझे कस्टमर्स मिल पाते हैं या फिर नहीं, ये तो रब जाने, लेकिन कोशिश करूँगा। यहाँ से कितनी खड़ी चढ़ाना है देखे, बहुत ज़्यादा, और अभी भी चढ़ना बाकी है मेरे को। और यहाँ से लगभग कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं मालूम। कौन से सेलिब्रिटी या फिर नेता का घर है मुझे नहीं मालूम, होगा भी तो भी मैं पहचान नहीं पाऊँगा, सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर रहते हैं। तो गाइस, यही है वो पेडर रोड जिसकी मैं तलाश कर रहा था। सो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो आप घर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, और यहाँ के रोड्स तो ऐसे हैं जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में ही आ गए हो। यहाँ से लगभग 7-8 बिल्डिंग छोड़कर बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, फटाफट से जाकर ब्रांच में विजिट करता हूँ। आखिरकार मिल ही गया बैंक ऑफ बड़ौदा। सो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सो यही है क्या कंफर्म करना है मुझे। लेकिन गाइस, ब्लॉग भी बहुत बड़ा बना लिया, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर कहना,
और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।